इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड जरा मैं कनेक्ट कर लूं पहले। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट है? हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिसमें रिटन तो सब है, कंपनी लॉ में तो कोई चीज वर्बल है ही, यानी वो जो एक सेकंड वो जो ड्रामे हम तुम्हें कैप फॉर्म में कराया करते थे ओरल और रिटन वाला, वो सीन काफी हद तक यहाँ पे समझो 0% भी नहीं। यानी अगर आपको छोटी से छोटी कंपनी के तौर पे काम करना है, हाँ आप अपना पूरा रजिस्टर ना कराओ, अनरजिस्टर्ड एंटिटी के तौर पे रहोगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड एंटिटी बनना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन की तरफ और सब रिटर्न शुरू हो जाएंगे मामला। अगर हम अपने इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चले मजीद, तो ये सारी बातें आपके सामने थी लास्ट क्लास में, मैंने आपके सामने बच्ची ये लाइट थोड़ी सी ऑफ कर दोगी ये वाली ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नहीं पीछे मत ऑफ करो, ओ ये तो बहुत ऑफ हो गया। तुम लोगों को मसला तो नहीं है? मुझे तो कोई मसला नहीं है इतने अंधेरे में। तलहा तुम्हें तो कोई मसला नहीं है? लड़कियों विजिबल है, बच्चों क्योंकि तो वहां पर स्टडी टेक्स है नहीं एक्चुअली, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको विजिबल बना दिया जाए ताकि तुम लोग यहां से देख लो। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम डेफिनेटली हमें ध्यान से रखना पड़ेगा, और ये कुछ क्लॉजेस हैं। पब्लिक कंपनी है तो नाम में लिमिटेड आएगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा। SMC सिंगल मेंबर कंपनी, एक छोटा अभी हुनैन भाई तुम्हें तो पता नहीं प्राइवेट पब्लिक कंपनी की तरफ लेकर आया कि नहीं लेकर आया। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, ये मेरा बड़ा अच्छा बच्चा बैठा हुआ है सामने तो इसी से जवाब पूछ लेता हूँ। यार एक बंदा कंपनी बना सकता है? एक कंपनी, एक बंदा पब्लिक कंपनी बना सकता है? नो। वेरी गुड, कितने बंदे होने चाहिए कम से कम पब्लिक के लिए? ये भी हुनैन ने कराया है कि नहीं? बस फिर छोड़ दो, फिर तुम मिनिमम बोलो। पब्लिक में मैक्सिमम होता है? पब्लिक में मैक्सिमम तो है ही नहीं, मिनिमम है। बहरहाल मैं इस टॉपिक में मजीद नहीं जाऊंगा। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन, उस सूबे का जिक्र करो जिस सूबे में तुम्हारा दफ्तर है। अगर लाहौर तो पंजाब बोलो, अगर कराची तो सिंध बोलो, अगर खैरपुर तो भी सिंध बोलो, यानी प्रोविंस के नाम से चलेंगे हम। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, एक बहुत अहम क्लॉज जिसको हमने कहा था कि तुम्हारे एस्टिमेटेड एसेट्स, तुम तीन तरह के काम कर रहे हो एक कारोबार में। एक कंपनी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, टेक्सटाइल में भी काम कर रहे हो, शुगर इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, एंड फ्लावर में भी काम कर रहे हो। लेकिन जब हम एसेट्स और रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा विच एवर इज हायर। अगर मैं एसेट्स को देखूं तो जनाब अली 55% से ज्यादा एसेट्स मेरे सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में लगे पड़े हैं, लेकिन अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो मैं सबसे अच्छा कमा रहा हूं शुगर सेक्टर में अराउंड 60%। तो विच एवर इज हायर के हिसाब से देखा जाए तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू के हिसाब से शुगर मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में आ जाएगा। देन हम आपको थोड़ा सा और आगे लेकर आए थे और हमने यहाँ पे आपको लायबिलिटी क्लॉज तक ले आए थे। एक चीज और याद रखो, नाम और काम कनेक्शन होना चाहिए। नाम है तुम्हारा फर्टिलाइजर्स, काम तुम कर रहे हो मिल्क पैक बना के बेच रहे हो, या नाम है तुम्हारा फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल कोई काम कर रहे हो, और देखा जाए तो उसमें तुम कपड़े और टेक्सटाइल कुछ ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारा, या तो जनरल नाम हो जो किसी कंपैरिजन में ना आए, लेकिन अगर तुम स्पेसिफिकली कोई नाम यूज कर रहे हो तो फिर तुम्हारे काम से वो कनेक्ट होना चाहिए। लायबिलिटी क्लॉज में आई थिंक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डिस्कस हुई।
जेनू आप बताना पसंद करेंगे, जितना भी आपके समझ आया है अभी तक। किस बात की गारंटी लेते हैं मेंबर्स? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा डालते हैं, उतनी ही लिमिट होती है हमारी लायबिलिटी की, जबकि लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स शेयर होल्डर्स नहीं होते, मेंबर्स होते। और जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं इस बात की कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कल को जब कंपनी बंद होगी तो फिर हम उस वक्त कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये क्लॉज यहाँ पे आएगा। एंड देन आज हम एक छोटा सा नया क्लॉज डिस्कस कर रहे हैं, 1.1.6, अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। यानी इसको ऐसा समझ लीजिए कि फाइनली जब आपने लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं थे, मैं उनके लिए छोटा सा रिपीट कर दूं मामले को। बेटा कंपनी के मेजर दो डॉक्यूमेंट विद नेम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक किसी बच्चे ने मुझसे कहा सर ये वही है मेमोरेंडम जो हम देखते हैं कि अक्सर एमओयू साइन हो रहे होते हैं। नहीं बेटा वो अलग चीज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग डॉक्यूमेंट है। वो अब तुमने देखा अगर पाकिस्तानी हुकूमत कहीं बाहर विजिट कर रही है तो जो चाइना की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत एक मेमोरेंडम ऑफ एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ जो दैट हैज नथिंग टू डू विद योर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का उससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो कंपनी लॉ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये वैसे ही है जैसे तुम्हें याद होगा तुम लोगों ने कैफ में पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज, सबने पढ़ा था। अब वो बच्चा एक परेशान हाल बच्चा मेरे से आके कह रहा था ये बिल ऑफ लेडिंग जैसी चीज है। बिल ऑफ लेडिंग एक अलग डॉक्यूमेंट है दूसरे लॉ। तो नाम बहुत सिमिलर लगते हैं हमको मगर होते नहीं। तो मैं ये बहुत बच्चों वाली बात है लेकिन ऑब्वियसली ये मैसेज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी और के भी जहन में कंफ्यूजन हो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनी लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं और आप जिन अंडरस्टैंडिंग पे तय कर रहे हैं अपनी टर्म्स वो हम लिख के साइन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी बनाने के लिए सबसे मेजर डॉक्यूमेंट। आप कहेंगे अरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम में सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, मेमोरेंडम एक लिमिटेड ब्रीफ सी बातें बता रहा है, डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने अभी देखा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शुरू किया सबसे पहले नाम, आपकी कंपनी का नाम क्या है, नंबर टू रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉथ आपकी कंपनी है कहाँ, नंबर थ्री आपकी कंपनी का मेजर काम क्या है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, आपकी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है लायबिलिटी क्लॉज, उसके बाद हमारे सामने आई थिंक आई एम सॉरी मैंने 1.1 मिस किया ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज। देखो अगर मैं आज तुमसे पूछूं कि तुम में से कोई कारोबार लगाने का इरादा करता है तो क्या सबसे पहले देखोगे और सोचोगे? पैसा, फाइनेंस, रिसोर्स कितना देखोगे कि बस अगर मुझे कारोबार शुरू करना है तो मैं उसको बस शुरू कर दूं, बस इतना पैसा होना चाहिए मेरे पास। आपको मेरे ख्याल से 6 महीना साल भर का बैकअप रखना चाहिए बिजनेस लॉन्च करते हुए, कि अगर एकदम से कोई मैं फेमस नहीं हो जाऊंगा, एकदम से मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं शुरू हो जाएंगे। वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है लेकिन आपके पास कुछ बैकअप पे पैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए और एक प्लान होना चाहिए कि मैं अगर इस बिजनेस को अगले 5 साल में यहां से यहां देखना चाहता हूं तो मुझे अराउंड अगले 5 साल में कितना पैसा चाहिए हो सकता है इस बिजनेस के लिए। तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल यहां दूंगा रिगार्डिंग कंपनी। मैं कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिस वक्त डॉक्यूमेंट बन रहा है इस वक्त कंपनी शुरू भी नहीं हुई है, शुरू होने वाली है, लेकिन मैं एक अपना एस्टिमेशन करके अपना हिसाब किताब करके एक अमाउंट ऑफ कैपिटल को ऑथराइज करा लेता हूँ फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज।
मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैंने लेट सपोज 500 मिलियन का ऑथराइज्ड कैपिटल रखा है तो मुझे कल ही 500 मिलियन चाहिए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट कैपिटल है जिससे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा के एक अप्रूवल ले लेते हैं। अब आपने 500 मिलियन का अगर ऑथराइज्ड कैपिटल रखा भी है, आप उसमें से 100 मिलियन इशू कर दीजिए अभी, फिर साल बाद फिर 100 मिलियन कर दीजिएगा। ये नहीं कोई कह रहा कि आप उतना ही कैपिटल रखो जितना आपको अभी चाहिए। आप अपनी तमाम तरह हिसाब किताब से जो अमाउंट डिसाइड करना चाहें वो आप उसकी सामने से सीसीपी से अथॉरिटी ले सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे 1.1.5। कहते हैं कि ये क्लॉज वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रखते हैं जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है, और फिर उसके बाद जो भी शेयर्स, जब हम इंशाल्लाह आपको शेयर कैपिटल के चैप्टर में, अलग चैप्टर है पूरा, तो डेफिनेटली अभी मैं उस टाइम में नहीं जाऊंगा कि हम कितने टाइप की क्लासेस ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या टर्म्स होंगी, वो सब छोड़ दो अभी। बेसिकली ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट कैन बी सब्सक्राइब, यानी एक दफा जब आपने अथॉरिटी ले ली है तो आप इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। एक छोटी सी एग्जाम्पल इसमें दी गई है जी सर। अब इस तरीके से इन्होंने एक एग्जाम्पल तुमको दी है कि ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 मिलियन है डिवाइडेड इनटू 1 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। इस तरीके से हम अपने ऑथराइज कैपिटल क्लॉज को लिखेंगे, और इसी में सब्सक्राइबर कौन, कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं सब्सक्राइबर और मेंबर में क्या फर्क है? ये ज्यादा बेहतर है जवाब आपका, ये ज्यादा बेहतर जवाब है। पहले शेयर होल्डर्स, इनिशियल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। देखिए शेयर होल्डर्स तो आते ही रहेंगे कंपनी में, लेकिन जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि लॉजिकल बात देखो ना, जो शेयर होल्डर मेमोरेंडम में साइन कर रहा है, देखें आज आपकी हुकूमत इज प्लानिंग टू ब्रिंग 26th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 26th अमेंडमेंट अगर आती है, अगर आती है, तो इस पे जो सिग्नेटरीज होंगे कौन होंगे? आज की हुकूमत। इससे पहले जितने अमेंडमेंट्स आए वो उस जमाने के जो जो, जो पार्टीज लाई होंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो जो पहला डॉक्यूमेंट जिससे पाकिस्तान इस्टैब्लिश होकर क्रिएट हुआ था उस पे किसके साइन है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना भी लीडर हैं, थे, आज भी बहुत सारे लीडर्स हैं। ऐसे ही है ना, कायदे आजम को एक प्रिविलेज हासिल है जो किसी और लीडर को नहीं। वो क्या है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ द नेशन एज वेल। फाउंडर का नाम किसी और के साथ नहीं लगती, लीडर्स तो बहुत आए, कायद के बाद लियाकत आए, लियाकत के बाद और लोग आए। मैं खैर ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक लीडर्स की बात करूंगा, आई एम अ लॉयर। मैं ये मिलिट्री वालों को लीडर वीडर नहीं मानता, ये काबिज होते हैं, इसलिए इनको इतना जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आए, उसके बाद फिर मिलिट्री काबिज हो गई हुकूमत, फिर मोहतरमा आई, बेनजीर भुट्टो आई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए, इसके बाद आग लग गई, इसके बाद और कौन आए, इसके बाद सरदारी आए, सरदारी भी आए ना, मतलब लीडर तो रहा ना अपनी पार्टी की तरफ से। ऑब्वियसली गला घोंटते हुए कहना पड़ेगा इमरान खान आए, नो डाउट आए। अब शहबाज शरीफ आए हैं,
ये सब आए, सबको मैं लीडर मानता हूं, सबने इस फॉर्म को लीड किया है, अच्छा किया बुरा किया ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन कायदे आजम वो वाहिद लीडर हैं जिनको, और कायदे आजम ही नहीं कुछ और लोग भी थे, पता नहीं मैं नाम भी भूल गया उन सब लोगों के, कौन कौन थे भाई, सिग्नेटरीज लियाकत अली खान भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सराघा खान भी थे, सराघा खान भी थे उस जमाने में, और भी कई थे जिन्होंने उस वक्त, तो बेटा सब्सक्राइबर वो शेयर होल्डर है कंपनी का जो मेमोरेंडम साइन कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, इन द सेम क्लॉज एवरी सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू एग्री टू एटलीस्ट वन शेयर, यानी तुम्हें मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है मेंबर, तो एक शेयर तो कम से कम लेना पड़ेगा, और ना सिर्फ एक शेयर लेना पड़ेगा बल्कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे शेयर नंबर्स कितने हैं तुम्हारे, वहां तुम साइन करोगे, अपना नाम लिखो, ये सब किस डॉक्यूमेंट में हो रहा है बेटा, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी स्टैब्लिश होने से पहले बन चुका है, और इसके बेसिस पे कंपनी रजिस्टर हो रही है, तो जनाब यार आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराया है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हुआ है कि किसी को आए क्या आपने रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, आए क्या आपने, ये कॉलेजेस की बात तो मैं नहीं कर रहा, सीआरएन इशू करने के लिए या कोई और ऐसे कोई एम्बिग्विटी आ गई हो डॉक्यूमेंट में, आप लोगों में नहीं हुआ है, होते रहते हैं भाई जनाब, यहाँ का आपने अपने बाप का नाम KALIM लिखा है, कलीम, फला डॉक्यूमेंट में KALEE लिखा है, ये बहुत बेवकूफाना गलतियां हैं, मगर हमें एहसास नहीं होता, हम लोग बचपन में कोई और नाम की अपनी मर्जी से नाम, अब वो हुसैन नाम, वो जिसको जो फैशनेबल लगा, लोग लिख रहे हैं HUSSAIN, कोई लिख रहे हैं HUSSAYN, पता नहीं क्या क्या नाम, ये ऐसे नहीं होता नामों का, आपने जो नाम अपना डॉक्यूमेंट पे रजिस्टर करा लिया है उम्र भर वही रहेगा, अब आए क्या आप यहाँ पे आते हैं मुझसे, भाई मैट्रिक में कोई और नाम था, इंटर में कोई और नाम था, आप हमें कोई और नाम दे रहे हैं, तो ऐसे इश्यूज में इंकार आ जाता है वहां से भी, 2 दिन पहले ही मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर वो अब्बा के नाम की स्पेलिंग गलत थी, आई क्या बोल रहा है इसको, 6 हफ्ते हम आपको दे रहे हैं, 6 हफ्ते में ये सब अपना रिकॉर्ड अपडेट कराइए, वरना फिर हमारे लिए आपको रजिस्टर करना मुश्किल होता है, तो ये सारी चीजें आएंगी, और अभी तो इनशाला अभी आपने दुनिया पढ़ी है, अभी तो कल मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत जबरदस्त ऐलान कर दिया है, इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कुछ खुशियों की लहर सी दौड़ गई है कि जनाब वो कह रहे हैं कि जब 2000 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड को हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं, अभी मैं सुबह देखा था तो रिजवान मनाय साहब ने भी इसके बहुत लंबी तकरीर की है फेसबुक पे, उनकी तकरीर तो आप लोगों से क्या ढकी छुपी है, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा फैसला है, तो अब जब ऐसा कुछ होगा ना कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तुम्हें बाहर का वीजा अप्लाई करना है, पासपोर्ट बनवाना है, वहां जाके जब तुम अटकते हो ना ये नामों की और डेट्स की गलतियों पे, तो बना बनाया काम बिगड़ जाए, हमने ऐसी ऐसी कहानियां देखी हैं, नौकरी इंतजार कर रही है बहरीन में दुबई में, आप जाने के लिए तड़प रहे हैं बहरीन और दुबई, नाम की स्पेलिंग ने सारा मस्ता रोक दिया और वो नौकरी हाथ से निकल गई, इसलिए आप सबको मुखलिसाना मशवरा है, अगर नामों में या डेट्स में डॉक्यूमेंट्स में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहे हैं उन्हें अप टू डेट कराइए, अभी हो जाएगा टाइम लगता है इसमें, लेकिन अगर आगे मसला हुआ तो फिर मसले ज्यादा हो सकते हैं, तो बहरहाल सब्सक्राइबर बन गया कंपनी का इनिशियल शेयर होल्डर, तुमने एक जुमला पहले कहा था वन हु फॉर्म्स अ कंपनी, वो एक अलग बंदा होता है जिसको हम कहते हैं प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है, क्या काम है उसका, क्या वो एम्प्लॉय, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, देन फाइनली छठा और आखिरी क्लॉज से हम मेमोरेंडम को सम अप करते हैं, सर
ये समझ लीजिए एक हल्फनामा टाइप। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ओपनिंग वर्ड्स देखे हैं कभी? आपने देखे ही नहीं होगा। आई ने पाकिस्तान, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और फिर पूरा कि हम ये पहन चाहते हैं कि हमारे मुल्क को, हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किया ये सिस्टम, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, किस कॉन्स्टिट्यूशन से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने, और ये कब लिखा था उन्होंने? 18 भी नहीं, 1776, सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। वो 250 साल पुराना हो गया वो डॉक्यूमेंट, जिसमें अमेरिकन ने ये स्टाइल अख्तियार किया था कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद इंडिया ने भी ऐसे, और हमने भी एक, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये उसी स्टाइल के, वी द सेवरल पर्सन हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर सब्सक्राइब, हम ये चाहते हैं कि हमें एक कंपनी के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाए। आर बिंग डिजायरस ऑफ बिंग फॉर्म्ड इन टू अ कंपनी इन पर्सुएंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम दे रहे हैं, इसको, इसके मुताबिक हमें एक कंपनी के वजूद को माना जाए, एंड वी रिस्पेक्टिवली अग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट अपोजिट आवर रिस्पेक्टिव नेम्स। ये हो जाएगा, इसके नीचे ही शुरू हो जाता है, नंबर 1 दलाल मोहम्मद आर 1000 शेयर्स टाइम, नंबर 2 तलहा जमील, तलहा खान, तलहा शफकत, तलहा जफर, तलहा शायान, शायान इकबाल। और फिर आप लोग अपने हिसाब से ये पूरा, अगर मैंने आपसे कहा है आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 वीक्स में मैं आपके साथ लिटरली सॉफ्ट कॉपीज मंगवाई है मैंने कुछ लेटेस्ट कंपनी के मेमोरेंडम की, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये चीजें जो इस वक्त हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये एग्जैक्टली बड़ी बड़ी कंपनीज के मेमोरेंडम में आप देखेंगे। और फिर उसमें वो, अच्छा अब ये मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले बना था, इसमें ये वाले जो अपराध है ना, ये है सब्सक्राइबर्स, दैट्स वाई हम इसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं। तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो, अब मैं एक जुमला यहाँ पे और रिपीट करना चाहूंगा आपको कंफर्म करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव क्लॉजेस आर अंडरटेकिंग टू बी अबाइड बाय। मैंने कहा ना आप लोगों ने, आई थिंक टीएसए में एडमिशन लेते वक्त तो कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया होगा, आईकैप में कराया होगा, आईकैप ने अभी तक तो कोई एफिडेविट मांगा आपसे, वो कोई येलो कलर का स्टैम्प पेपर पे कुछ नहीं कराया, अभी आगे जाके मांगेंगे। वो क्या होता है एफिडेविट, येलो कलर का स्टैम्प पेपर पे क्या लिखा हुआ होता है, कभी देखा है? आप एक कसम खा रहे हो कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये परफेक्ट है, ट्रू है, करेक्ट है, इसमें कोई मैंने फोर्जरी नहीं की, कोई धोखेबाजी नहीं की, कुछ गलत नहीं। तो डेफिनेटली ये वो डॉक्यूमेंट आपको, तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो कहते हैं कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, और अगर आप चाहें तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और ना चाहें तो समझ भी सकते हैं कि अगर किसी को कंफ्यूजन था कि सब्सक्राइबर्स कौन है, दे आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द सब्सक्राइबर्स और नॉर्मल शेयर होल्डर्स का जनरल फर्क ये है कि द फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इस तरीके से ये 6 क्लॉजेस के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट मुकम्मल। इज दैट ओके? वो भरते रहेंगे, मेमोरेंडम को साइन करने वाले जो है वही जो सब्सक्राइबर्स। अजान की आवाज आ रही है? यस, जस्ट अ मिनट फॉर अजान।
जी बेटा, क्या पूछे था? बस यही फर्क, मेंबर्स एक बड़ी टर्म है जिसमें शेयर होल्डर्स भी शामिल है। तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट क्लास से भी ये बात कही थी कि जनरली हम ये समझते हैं कि मेंबर्स और शेयर होल्डर्स वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, 90% शेयर होल्डर्स मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स भी शेयर होल्डर्स होते हैं, बट आगे जाके इंशाल्लाह हम आपको तफसील से बताएंगे कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो शेयर होल्डर्स नहीं है बट दे आर मेंबर्स। और एग्जैक्टली गारंटी लिमिटेड कंपनी में आपने इसकी एग्जाम्पल देख ली होगी। अब रही बात शेयर होल्डर्स और सब्सक्राइबर्स की, तो दोनों शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। फर्क क्या है? सब्सक्राइबर्स आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखो मेमोरेंडम रजिस्टर हो गया, बन गई कंपनी, काम शुरू हो गया। अगर 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको मजीद नौबत आती है इस बात की कि आप अपने मजीद शेयर्स मार्केट में बेच के पैसा, तो फिर मजीद शेयर होल्डर्स वो बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते। बिल्कुल इसी तरह समझ लो कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था एट द टाइम ऑफ 1947, पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी? कितनी? 4 मिलियन, 40 लाख। क्या हो गया? तुम्हारा पंजाब उस वक्त भी बहुत भरा हुआ था, वहां पे लगता था कि दूसरों के काम। जी, बांग्लादेश तो खैर बहुत ही आबादी वाला था, मेरे ख्याल से 7 करोड़। 7 करोड़ हमने सुनी थी, आई गेस इंक्लूडिंग बांग्लादेश। अब उसके बाद आज तुम्हारा पाकिस्तान अकेला 24 करोड़ का हुआ है, 25 नहीं, 1 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से ले आते हो यार तुम लोग? तो 24, ऑफिशियली 24 करोड़ है जो सेंसस के बाद रहा है। तो अब ओरिजिनली पाकिस्तानी तो वो थे जो पाकिस्तान के वो उस वक्त ओरिजिनल पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स आप कह सकते हैं। तो हम सब कौन है फिर? हम भी तो ऑब्वियसली अब पाकिस्तानी है कि नहीं है? तो इसी तरह से कंपनी के ओरिजिनल शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सब्सक्राइबर्स हो गए। अब बाद में जितने ऐड करते चले जाओगे वो सारे उसके शेयर होल्डर्स ही बनेंगे, मगर सब्सक्राइबर का जो एक तमगा है वो उनको नहीं पहनाया जाए। ठीक हो गया? बोरिंग पावर्स, डेफिनेटली तो एक छोटी सी बात इसमें ऐड करूंगा, बोरो करना किससे कहते हैं बच्चे? उधार किसी और के बोरिंग पावर्स। इसका बोरिंग पावर से क्या ताल्लुक है? क्या बोरो किया जा रहा है यहाँ पे? हाँ मेरा बच्चा, आप लोगों ने ऑब्वियसली, आप तो खैर अभी बच्चे हैं, एक बहुत अहम मसला होता है फाइनेंसिस। आपके घर में, आपके मामलात में, बहन की शादी, भाई की शादी, कुछ भी, घर बड़ा खरीदना है, कुछ और करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, काम कारोबार, पैसा आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, मतलब आपके वालिद के पास, वरना फिर वो कुछ और ऑप्शंस की तरफ जाते, या तो आपके घर में रखे हुए जो मजीद एसेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड या कुछ भी और, उसको हम सेल आउट करके जो पैसा आता है वो इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम चाहते नहीं इसको नहीं बेचो, बड़ी मेहनत से बनाया ये, आज बेच देंगे तो कल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हमें वक्ती तौर पे पैसा चाहिए ना, हम किसी और से उधार ले लेते। अच्छा, हम उसके तुमसे उधार लेंगे पैसा, इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, और जब हमारी कंपनी कमाना शुरू कर देगी हम भी कमाएंगे तुम्हें भी उतार देंगे। तो एक ये वर्किंग स्टाइल होता है कैपिटल का, जिसको हम बोरिंग पावर्स ऑफ द कंपनी कह रहे हैं। एक होती है, तुमने कैफ फोर में सब पढ़ के आए हो, एक होती है आपकी एक्सप्रेस पावर, एक होती है इम्प्लाइड पावर। एक्सप्रेस पावर क्या है? रिटन या ओरल, जो लिख के दी गई हो या जबानी दी गई। और इम्प्लाइड क्या है? पोजीशन के साथ आती है, बाय द कंडक्ट होती है, उसके लिए लिखना या बोलना जरूरी। तो मेरा बच्चा, आप सब देख रहे हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में बोरिंग पावर्स इंप्लाइड है।
बोरिंग पावर्स मेमोरेंडम में लिखी हुई हो या ना हो, बोरिंग पावर्स आर्टिकल्स में लिखी हुई हो या ना हो, हर कंपनी जो है वो लोन वगैरह लेने की एक इम्प्लाइड पावर, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं लॉ में इनहेरेंट पावर रखती। सर पढ़िए। हमने पहली बात तो ये कि दोनों डॉक्यूमेंट को शामिल किया यहाँ पे, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी इज डीम्ड टू इंक्लूड इम्प्लाइड पावर। इम्प्लाइड का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक दफा फिर बता दूँ, इसको तुम एक समझो एक ऑटोमेटिक पावर कहो, इनहेरेंट पावर कहो, जिसका लिखा हुआ बोलना जरूरी नहीं। टू एंटर इन टू एनी अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन, लोन्स हो, एडवांस हो, कोई और क्रेडिट हो, फाइनेंसेस हो, या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी इशू करनी हो। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? हमारी कंपनी लॉ में ये लव सिक्योरिटी बाबा यूज होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा वो चैप्टर आगे जाके आपको। सिक्योरिटीज हम कहते हैं और शेयर्स तो मेन होते हैं ना, द शेयर्स एंड अच्छा शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं बेसिकली। डिबेंचर्स वगैरह क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। इतना आप मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, या तो आप शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरी कंपनी में तो भी डेफिनेटली मैं सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ आपको तो पैसे ले रहा हूँ, या मैं आपसे लोन ले रहा हूँ और सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ। तो यहां यही कहा गया कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट इस्लाम। आप सब जानते हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इस्लाम को पसंद नहीं। क्या कहते हैं हम इसको? सूद। तो हम अक्सर देखेंगे कि आपके लॉ में ऑन एंड ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स एंड नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट लोन्स दोनों नजर आएंगे। इस लेवल पे नहीं, इंशाल्लाह आगे के लेवल पे जाके तुम पढ़ोगे तफसील से मुदारबा, मुशारका। मुशारका क्या है? मुशारका इस शराकतदारी, शराकतदारी किसे कहते हैं उर्दू में? पार्टनरशिप। मुशारका एक इस्लामिक पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है, हम नहीं पढ़ा रहे अभी आपको, फिर सुन लीजिए। मुदारबा, मुदारबा क्या है? प्रॉफिट है, इंटरेस्ट नहीं। प्रॉफिट, प्रॉफिट इज मुनाफा, इंटरेस्ट इज सूद। प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, इंटरेस्ट फिक्स होता है। ये फिक्स होने की वजह से रिलीजन जो है वो थोड़ा नाराज हो जाता है कि फिक्स मत करो, बिजनेस करो, कारोबार करो, मुनाफा कमाओ, दबा के कमाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुनाफा बिजनेस में कमाना कोई गुनाह नहीं है, वो सूद के कुछ मसाइल आ जाते। तो मुदारबा में क्या अकल बनती है? तलहा तुम्हारा पैसा अकल मेरी, पैसा तुम्हारा आइडिया मेरा, मेहनत करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो बांटेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका लॉ भी है बाकायदा पाकिस्तान में, आगे के लेवल पे आप पढ़ेंगे। अभी इसको हम नहीं, अभी हम सिर्फ आपको कंपनी लॉ तक महदूद रखना चाह रहे हैं। नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट फॉर रेजिंग और रिसोर्सेज फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक, यही सारे तुम्हारे HBL MBL टाइप के जो बैंक हैं, या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक नहीं भी है बट दे आर ग्रांटिंग लोन्स। ऐसे कौन सी इदारे जो बैंक नहीं है बट दे आर ग्रांटिंग लोन्स? जी मैम, जी ये कैब फोर है ना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में चली गई है, जैस कैश इजी पैसा।
कंपनी तो जैस कैश और इजी पर्सन से लोन नहीं लेगी ना बेटा, हम कंपनी लॉ के लिए बात कर रहे हैं। डेफिनेटली पिकेक हुआ करता था एक जमाने में, इन्वेस्टमेंट बैंक है अभी भी, कुछ सिंध पंजाब हुकूमत ऐसे बैंक बनाए हैं जो नॉर्मल बैंक नहीं है, जहां तुम अकाउंट खुलवाओ वो सिर्फ तुम्हें एग्रीकल्चरल लोन्स एंड दिस लोन एंड दैट लोन, वो लोन इशू करते हैं जिसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज रखते हैं। तो बैंक तो प्रॉपर शेड्यूल्ड बैंक है इसके, तुमने कभी घर वर बनाना हो तो HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम तुमने सुना होगा, ये बैंक नहीं है मगर तुम्हें लोन फैसिलिटी दे रहा है, ऐसी कोई इशू, या सिंपल जनरल पब्लिक, जिस तरह मैं पब्लिक को शेयर्स बेचकर शेयर कैपिटल खरीदता हूं आप लोगों से, इस तरह मैं आपको डिबेंचर्स बेच के लोन भी ले सकता। ये सब तफसील से आगे डिस्कस कर। बहरहाल मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट एक नहायत ही फॉर्मल है, जबानी तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मेमोरेंडम की है फाइनली प्रिंटिंग और डेट और साइन वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट है सेक्शन 31 कंपनीज एक्ट में, आइए इसको भी देखते हैं। जी सर, डेफिनेटली मेरे बच्चों बहुत बेसिक सी, अच्छा मैं इस बेसिक सी बात पे, यानी बच्चे हमारे कुछ मेमोरेंडम वगैरह पर तैयारी करके गए, जब पेपर में जाके बड़ा मुश्किल से सवाल देखे हम तैयार किए, जब पेपर में गए तो वहां सिर्फ ये कहा जा रहा है मेमोरेंडम को प्रिंट साइन कराने की क्या रिक्वायरमेंट। मैंने हमेशा आपको इस बात के लिए कहा, क्या F4 में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, कि आप तैयारी हर तरह से, सवाल आसान आ जाए तो यह हमारे लिए एक बोनस है, सवाल मुश्किल आ जाए तो हम उसे अटेंड करने के तैयार हैं। एक खुशकिस्मती है हमारी F7 में, फिलहाल एक F7 है कि सपोर्ट्स आउटलाइन कम। देखो मेरे बच्चों एक जश्न का समय है उन बच्चों के जहनों में जिनको ये लगता है कि हम तो जी मर्ज लॉ पढ़ें। आप सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब आप लोग नहीं जो PRC के सेक्शंस के, भी A1 A2 A3 A4 बच्चे अक्सर आते रहते हैं इधर, कुछ पिकनिक के मामला के चक्कर में उन बच्चों से इंटरेक्शन रहा मेरा, वो आए मेरे पास, सर हम तो जब आएंगे ना आपके पास तो लॉ एक हो चुका होगा। उस वक्त जो लॉ हो चुका होगा ना उन बेचारों को पता नहीं, तुम सारे यहां बैठे हुए हो और माशाल्लाह सारे CAF4 दे चुके। अगर मैं तुम्हें ये ऑप्शन दूंगी, इस किस्म का कानून यानी ये चीजें और CAF4, तुम्हें एक साथ प्रिपेयर करके 3 घंटे के लिए जाना है, तो मैं बेटा आप ही के सीनियर्स की बातें बता रहा हूं। बच्चों ने कहा कि सर ये कैफ का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर बन चुका हुआ है, अभी आसान है CAF4 अलग CAF7, CAF7 टेक्निकल है, अभी तो देखो हमने शुरू किया है, उन्हें शुरू कर रहा है, मैं शुरू कर रहा हूं, अभी तो पास पेपर्स वगैरह हमने देखे ही नहीं है। तो आपको शुक्र भाई सिर्फ कंपनी, अभी तुम तो इसमें वो लीगल सिस्टम, एक ऐसा बच्चा जो CAF4 के लेवल का है, आप तो माशाल्लाह ग्रुप बी के लेवल पर आ गए हैं, वो बच्चा जो PRC पास करके आएगा उसको जब आए क्या पार्टनरशिप भी और निगोशिएबल भी और आर्बिट्रेशन भी और मनी लॉन्ड्रिंग भी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी और लीगल सिस्टम भी और कंपनी लॉ भी, और सुबह शाम हम उसको क्लासेस ले रहे होंगे, एक बिजनेस लॉ की क्लास चल रही होगी, कंपनी लॉ की, साथ 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 मुश्किल होगा उसके लिए। अब देखिए क्या करता है, क्या सिलेबस जो उसने शेयर किया है मेरे साथ वो तो डेफिनेटली एक हेवी सिलेबस, टोटल चैप्टर्स अभी किताब तो नहीं, अभी सिलेबस आया है मेरे पास, और जो सिलेबस उन्होंने इशू किया करने वाले हैं
अगर हम सिर्फ सिलेबस की बात करें मतलब पहले तुम्हारा ग्रुप ए, अभी ग्रुप ए सेक्शन ए बी सी डी ई एफ तक चले गए, यानी मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, अकाउंट्स एंड डिविडेंड भी है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इनकॉर्पोरेशन इश्यूएंस ऑफ शेयर्स भी है, ये सिर्फ 50 नंबर। और फिर मैंने आपको बताया था इसके साथ पूरा कैप फोर जो था उसमें से बस दो तीन चीजें निकाली हैं, छोटे चैप्टर में कमी की है, बाकी नेगोशिएबल भी है, पार्टनरशिप भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, लीगल सिस्टम भी है। तो ये डेफिनेटली हम तो ऑब्वियसली दो दो तीन तीन टीचर्स मिलकर कवर करा दें एक बच्चे के लिए, या आईकैप ने पता नहीं क्या सोचा है, या हमेशा आईकैप जो है वो तमाम जो छुरियां चलाता है वो नॉन कोर सब्जेक्ट्स में चलाता है, हम नॉन कोर हैं। आईकैप को ये लगता है कि उनका बच्चा चीता हो जाएगा अकाउंट्स में, आईए में, FAR 1 में, FAR 2 में, कॉस्टिंग में, वो सब ठीक है, लेकिन मैं वो जमाना देख चुका हूँ 2014 से लेकर 2019 तक का, जब हमारे बच्चे ऐसे होते थे कि यकीन कीजिए अकाउंट्स के सारे पेपर्स पास हैं, एक लॉ में पांच पांच छह छह अटेम्प्ट लग रही हैं। अल्लाह ना करे कि वो दौर दोबारा लौटे, क्योंकि आज का बच्चा तो वैसे ही मजीद, ये जो पोस्ट कोविड बच्चा है ना, एक्चुअली हम लोग बच्चों को ना दो हिस्सों में बांट रहे हैं, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। तो प्री कोविड बच्चा सीरियस था, क्लासेस ले रहा था, आ रहा था, बैठ रहा था। पोस्ट कोविड ये अजाब, ये वाला अजाब, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कॉलेज नहीं आना है, देर से सो के उठ रहे हैं, रात में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अकबर भाई रिकॉर्डिंग लगाए, अकबर भाई रिकॉर्डिंग लगाए, वो मासूम से हमारे 3 फिट के अकबर भाई परेशान कर देते हैं उनको, तो सुबह शाम वो बंदा मैसेजेस दिखा, ये सब आ। अब बच्चा हो गया है आराम तलब, और आई कैप पोस्ट कोविड बच्चों पे प्री कोविड वाला जुल्म कर रहा है। वो बच्चा बहुत सीरियस था भाई, मैं देख के आया हूं, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं सीए को, पहली क्लास मेरी 2010 में थी, वो तो बिल्कुल ही मासूम सीए था, ये मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी ऐसे मॉड्यूल्स चलते थे, मॉड्यूलर सिस्टम था, मॉड्यूल ए था तुम्हारा ये एफसी के कुछ सब्जेक्ट, बी में वही बी और सी डी, 14 में इन्होंने ये खत्म किया, तो एफसी और कैफ ले आए, वो फिर आपने देखा उस वक्त इन्होंने क्या किया, ये जुल्मों से तो क्या मर्ज कर दिया सब्जेक्ट, पहले मॉड्यूल ए में लॉ होता था और इस तरह, फिर मर्ज करने का इतना बुरा नतीजा निकला, रिजल्ट इतना खराब हो गया कि तुम्हें मैं जिंदगी भर शायद मुझे याद रहेगा ऑटम 18, मैं हमेशा तुम्हें क्लास में बता चुका हूं, ऑटम 18 सितंबर 18 की अटेम्प्ट वो थी जिसमें हमारे लॉ का रिजल्ट आया था 10 फीसद, 10 90% बच्चा फेल एंड 10% पास। उसके बाद आया क्या आपने होश लिया तो 19 20 21 तक मर्ज हो गया, मगर पुरानी किताब चलती है, फिर उसके बाद जो है सॉरी अलग अलग हो गया मगर पुरानी किताब, फिर पूरी स्कीम चेंज हुई 22 से, 22 23 24 ये चला, 25 भी यही चल रहा है फिलहाल, अभी तक तो यही है, अब क्या आगे आने वाला है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आपने आपके पास ये मौका है कि इस बड़ी मुसीबत को आप टुकड़ों में पास कर सकते हैं, कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह कैफ 4 पास कर लोगे, बच्चा ये भी निकाल लो, ताकि तुम्हें वो मुसीबत ना झेलनी पड़े जो आने वाले वक्तों में आने वाली है। मेमोरेंडम प्रॉपर प्रिंट होगा, उसके लिए कोई तरीकाकार नहीं, बट अब आजकल अगर देखा जाए जनरली एक्सेप्टेबल मैनर कौन सा है आजकल, तो प्रॉपर टाइप करके प्रिंट आउट निकालना, पब्लिश करना, अब वो पुराने जमाने में वो टाइप राइटर चलते थे, तो अलग अलग मामला थे, जो जनरली एक्सेप्टेबल है उस हिसाब से पैराग्राफ्स को प्रॉपरली डिवाइड किया जाएगा, कंसेक्यूटिवली नंबर दिए जाएंगे, यानी ये लीगल रिक्वायरमेंट है,
क्लॉज 1, क्लॉज 2, पैरा 1, पैरा 2, इस तरीके से। हर सब्सक्राइबर साइन करेगा, मैं पहले बता चुका, वो वी द सब्सक्राइबर्स के बाद हर सब्सक्राइबर का साइन होगा, जो अपना प्रेजेंट नेम ऐड करेगा इन फुल, ऑक्यूपेशन, उसका जो भी काम काज है, नेशनैलिटी। यकीनी तौर पे ये मुमकिन है कि सब्सक्राइबर्स में फॉरनर्स भी हों, तो आप सब्सक्राइबर्स में नेशनैलिटी बताना जरूरी है। उसका यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस और जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी बातें, और फिर ये तमाम चीजों को विटनेस अटेस्ट करेंगे अपना साइन करके, और फिर अपने पर्टिकुलर ऐड करेंगे। आपने सर देखा हो कोई डीट देखी जिंदगी में कभी, एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, डीड जिसको हम कहते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट देखा है? दोनों पार्टीज टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड साइन कर रहा होता है, साइन कर रहा होता है। लास्ट पेज पे क्या तुम देखते हो, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2 के साइन होते हैं, उनके नीचे विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2 इनके, और विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2 उनके, और विटनेस के नाम, एड्रेस, CNIC नंबर एंड साइन। ये है एक फॉर्मल तरीका डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का, लीगलाइज करने का, एंड देन डेटेड। हाँ निकाल हमारे स्टैंप पेपर पे नहीं हो रहा है, हाँ कोर्ट मैरिज हो रही है स्टैंप पेपर पे, लेकिन डेफिनेटली विटनेस सिग्नेचर का मतलब ही लाइबिलिटी है मेरा बच्चा। अगर मैं तुमसे किसी चीज पे साइन ले रहा हूं तो तुम 10 दफा सोचोगे साइन करने से पहले, ऐसा ये कि नहीं है? अरे भाई अपना सगा बाप बच्चों के डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए सोचता है कि यार कोई मुसीबत ही ना आ जाए मेरे सर पे, मतलब ऐसा अक्सर जब, और फिर उसको पता है लॉ में साइन का मतलब है एक्सेप्टिंग द लायबिलिटी, इसीलिए हम आपको देखते हैं और कहते हैं कि सिग्नेचर बहुत सोच समझ के कीजिए। बहरहाल फाइनल डेट बढ़ जाएगी और इस तरह आपका मेमोरेंडम मुकम्मल हो गया, जो शुरू हुआ था नेम क्लॉज से वो खत्म हुआ साइन एंड डेटेड। इसके साथ ही अच्छा मैं हमेशा से एक चीज करता हूँ, दोबारा सुन लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो क्या है, सिंपल तो है, एक पास पेपर का सवाल है, निहायत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें तुम्हें कौन सा क्लॉज मिसिंग नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है मिसिंग? जब आपने सवाल सवाल देखिएगा साहब, जब उन्होंने कह दिया नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज यहां से गायब हो। अब इसमें भी हमारे कुछ बच्चे बस रट के आए हैं मेमोरेंडम के क्लॉजेस, तो सवाल पढ़े बगैर टकाटक 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 सब लिख दिए। जब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की बात कह दी गई तो फिर डेफिनेटली नेम क्लॉज होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज होगा, एंड देन लाइबिलिटी क्लॉज। इज दैट ओके? एंड अब ये बहुत तफसील में हम जाएंगे बट नॉट टुडे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेमोरेंडम के एक एक क्लॉज को अलग 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 डिस्कस किया जाएगा, और अगर आप हुनैन साहब की किताब देखें तो उन्होंने इन्हीं एक एक क्लॉज को अलग अलग चैप्टर बनाया हुआ है। यहाँ पे अभी नेम क्लॉज आ गया नंबर 2, जब नेम क्लॉज खत्म होगा 3 में हमारे सामने रजिस्टर ऑफिस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज आ जाएगा। अगर किसी के पास हुनैन की किताब इस वक्त मौजूद है तो आप नोट करें, तो उन्होंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 अलग अलग, इनको अलग अलग रखा है। तो एक सवाल जो मेरे पास आया था कि सर आप इधर से देख रहे हैं हम उधर से याद कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हुनैन वाली किताब भी लेकर आ जाऊंगा अगली क्लास में, मैं वहां से भी तुमको गाइड कर दूंगा। यार हुनैन की किताब कोई आसमान से उतरी हुई डिफरेंट किताब नहीं भाई, सब कंपनी लॉ है, आईकैप ने भी इसको फॉलो किया है, हुनैन ने भी इसको फॉलो, सिर्फ प्रेजेंट करने में हुनैन ने थोड़ा सा उसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया ताकि तुम्हें आसान रहे। और मगर मेरी एक, बस क्या कहूं, मेरी एक बड़ी मनहूस आदत है, कैसे छोड़ू ये आदत, मैं मेन बुक को फॉलो करता हूं हमेशा, और इससे बड़ी क्या बात होगी, तुम सब गवाह हो
कि मैंने कभी आज तक ब्लैक एंड व्हाइट को क्लास में नहीं पढ़ाया, लेकिन मुझे लगता है कि आई कैप के सामने ना हुनैन की किताब नहीं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई कैप के सामने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी। आई कैप के एग्जामिनर के सामने जो किताब खुली है, और ये खुली है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको सपोर्ट मटेरियल के तौर पे याद आप वहां से करें, पास से पास। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई नया बच्चा आया है, मैं कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा कंपनी लॉ में, ना मैं कोई ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का चीज लेकर आऊंगा। हुनैन साहब की किताब ही को मैं फॉलो करूंगा पास से पास के लिए। और एक सजेशन जो मुझे बच्चों ने दिया है, वो सजेशन मैं इस दफा बहुत रिलीजियसली स्टार्ट कर रहा हूँ, वो कौन सा है, चैप्टर वाइज पास पेपर्स हम शुरू से डिस्कस करें, हम उसको बाद में लेके नहीं जाएंगे। जैसे ही ये चैप्टर मुकम्मल होगा, इसके तमाम पास पेपर्स, उसकी रिटन प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ताकि बिल्कुल वो पास पेपर्स जो मैं बिल्कुल जनवरी में लेके चला गया ना अगर, तो उस वक्त तुम्हारे पर और बर्डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मुझे याद है, इसको हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से फिर इंशाल्लाह नेम ऑफ द कंपनी शुरू करेंगे। मैं हुनैन की बुक भी लेकर आ जाऊंगा, आप लोगों के पास हुनैन की बुक क्यों नहीं है अब तक? अच्छा अपडेट कर रहा है वो, फिर तो अच्छी है, मैं भी मंगवा लेता हूँ अपने एडिशन। थैंक यू सो वेरी मच मेरे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास को, अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ अस, अल्लाह हाफिज। रिजल्ट के बाद कौन सा रिजल्ट? नहीं, इतना वेट थोड़ी हो सकता, वो तो पेपर सॉल्यूशन अलग से दे दें। ओके मीर साहब, अल्लाह हाफिज ऑनलाइन, मैं बात करता हूँ उनसे, टेक केयर।